राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू फाउंडेशन के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्र के प्रति उनके अनुकरणीय समर्पण और सेवा के लिए सराहना की। भारत में इटली के राजदूत विंसेंजो डिलुका ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने से भेंट की। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि आम चुनाव 2024 के पहले चार चरणों में सकल मतदान 66.95% है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। 6 जून 2024 को वे कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे।